jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मंगलवार को पलवल में 6 लोगों को की हत्या करने वाले साइको किलर की पत्नी घटना के बाद पहली बार सामने आई। रेवाड़ी रेंज के आईजी सीएस राव ने संकी नरेश धंगड़ के ससुर कैप्टन धर्मपाल उसकी पत्नी सीमा को एसपी ऑफिस में बुलाकर पूछताछ की। पूछताछ में सीमा ने बताया कि शादी के बाद उसका पति बात बात पर मारपीट करता था, काफी दिनों तक सहन करती रही, लेकिन जब बात सिर से ऊपर चली गई तो पति के घर को छोड़कर अपने पिता के घर गई और पिछले 5 साल से अपने 8 साल के बेटे के साथ अपने पिता के घर ही रहती हूँ। पूछताछ में पत्नी ससुर ने कोई खास बात तो पुलिस को नहीं बताई, लेकिन कैप्टन धर्मपाल मलिक ने इतना जरूर बताया कि सीमा पिछले 5 साल से उनके पास ही रहती है और अक्सर नरेश आकर उनके घर पर गाली गलौज करता था, जिसके चलते वे परेशान रहते थे और जब नरेश उनके घर आता था तो वे अपने घर का दरवाजा नहीं खोलते थे। दरवाजा नहीं खोलने पर अक्सर नरेश गली में गाली गलौज कर लौट जाता था। उनकी बेटी सीमा भी नरेश से डरती थी, क्योंकि अक्सर छोटी छोटी बातों पर नरेश उसके साथ मारपीट करता था। 6 हत्याओं को अंजाम देने के आरोपी नरेश धंगड़ अपने पड़ोस के लोगों से अक्सर कटाकटा ही रहता था। हालांकि उसने ओमेक सिटी के फेस 2 में 583 नंबर की दूसरी मंजिल की फ्लोर को खरीद लिया था। हत्या आरोपी की पत्नी सीमा उस घर में रहने तो आती थी, लेकिन तब जबकि नरेश अपनी ड्यूटी पर होता था। मंगलवार सुबह से ही उस घर पर ताला लटका हुआ है। पलवल हॉस्पिटल को ही साइको किलर ने क्यों बनाया अपना पहला निशाना, इस बारे में अभी पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी है। जबकि पुलिस साइको किलर की पत्नी ससुर को बुलाकर बात कर चुकी है, लेकिन उन्होंने भी पुलिस को पलवल अस्पताल के बारे में कोई बात नहीं बताई। ओमेक्सा सिटी में एक चौकीदारी करने वाले ने नाम छापने की शर्त पर बताया कि वह रात में चौकीदारी कर रहा था, तभी रात करीब 1 बजे नरेश धंगड़ अपने फ्लैट की तरफ से हाथ में रॉड लेकर आया और शहर की तरफ चला गया। इसके बाद उसे पता चला कि नरेश ने 6 लोगों की हत्या कर दी है, जिसके डर से वे मंगलवार की शाम चौकीदारी करने भी नहीं गया। चौकीदारों की हुई हत्याओं के बाद शहर के मुख्य बाजार सहित कॉलोनियों में भी चौकीदार मंगलवार को देर शाम अपनी ड्यूटी करने नहीं पहुंचे। एक पुलिस कर्मचारी ने बताया कि मंगलवार की रात जब वे शहर में गश्त करने गए तो पहले कई चौकीदार मिलते थे, लेकिन मंगलवार को एक दो ही चौकीदार दिखाई दिए।